कहीं ना कहीं आर्थिक बहिष्कार की तरफ इशारा है। और बीजेपी ये सब क्यों कर रही है, भाजपा इस तरह की चीज़ें क्यों कर रही है, वो इसकी वजह सीधा सीधा जो है लोकसभा चुनाव में उनकी भारी हार है। नमस्कार, आदाब, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंदू वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस फाउंडेशन के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, एडवोकेट जाहिद ताज अली। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे मैं तमाम अपडेट्स लेता हूं, लेकिन एक अहम मुद्दा पिछले कई दिनों से चल रहा है, कांवड़ यात्रा जैसे ही शुरू हुई उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, जहाँ आपसे तकरीबन, आपको याद होगा 2013 में 11 साल पहले तकरीबन बड़ा दंगा भी हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कोसा था। वहाँ पर एक आदेश, पहले अधिकारी आते हैं, वो कहते हैं कि भैया जो यहाँ पर ढाबे वाले हैं, अक्सर क्या होता है कि जो वेज ढाबे हैं वो अलग अलग तरह के नाम से खुलते हैं, उनको आदेश दिया कि अब यहाँ पर जो मुस्लिम हैं वो अपना नाम लिखेंगे, और जो हिंदू ढाबे के मालिक थे उनका साफ कहना है कि हमारे यहाँ प्रशासन आया और बोला कि मुस्लिम जितने काम करने वाले उनको बाहर निकाल दो। और इवन ये देखा गया फ्रूट में तो कोई वेज नॉन वेज मिला नहीं सकता, फ्रूट उन पर भी नाम अंकित करवा देगा कि भैया आप लिखो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये इस आदेश के पीछे की मंशा क्या है, आदेश कितना लीगल है और आप लोग इस पर क्या कर रहे हैं कानूनी रूप से। देखिए, सबसे पहले तो लीगलिटी पे बात करते हैं जी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 जो है जी, उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि जो लाइसेंसधारी हैं, हाँ, जो खाने के व्यवसाय में है और लाइसेंस है जिनके पास में जी जी कंसर्न अथॉरिटी द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपना लाइसेंस की कॉपी जो है वो चस्पा करनी पड़ेगी अपने बोर्ड के साथ, डिस्प्ले करना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग देखते भी हैं, जिससे ये पता चले कि जो खाने वाला है, जो आपका जो कंज्यूमर है, जो वहाँ आके जो कंज्यूम करेगा चीज़ों को, उसको ये पता रहे कि आप लाइसेंसधारी हैं तो आपके यहाँ सभी स्टैंडर्ड सभी मानक पूरे किए गए हैं। उसके पीछे ये आशय है, ये इंटेंशन है जी। और उसमें नाम के नाम से भी जो है लाइसेंस होता है और फर्म के नाम से भी लाइसेंस होता है। okay, ठीक है, तो ये तो हुआ लीगलिटी का मामला। और ये ऐसा है कि अगर आप प्रदेश सरकार चला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी एक जिला एक शहर की बात है, क्योंकि ये तो पैन इंडिया वैसे पूरा प्रावधान है, लेकिन अगर सरकार प्रदेश की सरकार भी करना चाहती है तो उसे पूरे प्रदेश में लागू करे। जहाँ तक खोमचे वालों का, ठेले वालों का है, तो उनके पास तो कोई लाइसेंस ऐसा होता नहीं है। और दूसरा, उसमें कोई फूड सिक्योरिटी वगैरह का ऐसा सिस्टम भी नहीं है। भाई, फल, जो फल और सब्जी बेच रहा है वो एक अलग तरह का मामला, रिटेल सभी जो है रिटेलर होते हैं, उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। सरकार ने इसी की आड़ में ये सांप्रदायिक कार्ड खेला है। अच्छा, सांप्रदायिक कार्ड जो है वो सरकार ने इसी की आड़ में खेला और पूरे खुल के खेला है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा अब राजनीतिक पक्ष बताता हूँ। देखिए, कांवड़ मार्ग पे सरकार जो है 7 साल से है योगी आदित्यनाथ जी की, और कांवड़ हर साल चलती है। ऐसा क्या हुआ कि 7 साल बाद आपको ये पता चला कि भाई ऐसा होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक किसी भी धार्मिक, किसी की भी धार्मिक आस्था का सम्मान होना चाहिए, कांवड़ यात्रा के दौरान जो है मांस मछली, चाहे वो नॉन वेज भी खाता हो हमारा कोई हिंदू समाज का भाई, मतलब अगर वो कांवड़ में जा रहा है तो तब वो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं करता है, उनसे दूर रहता है और परहेज करता है इन चीज़ों का। तो उसमें क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया, पहली बात तो यह है कि जब कांवड़ चल रही है तो बाकायदा मीट मांस मछली की दुकानें सरकार के और प्रशासन द्वारा वैसे ही बंद कर दी जाती है, तो ये इशू तो अपने आप में ख़त्म हो गया वेज और नॉन वेज का। क्योंकि जब तक वो कांवड़ यात्रा चलेंगी, बल्कि आप छोड़िए उस रूट को, तो आप देखिए कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह जो भाजपा संबंधित विधायक है वो जबरदस्ती मीट की दुकानें बंद कर, जहाँ पर कांवड़ का कोई निकलना है वो भी नहीं, मतलब भी नहीं, और वो इसमें खुल के इंटरव्यू भी देते हैं। हाँ, असल में ये उनका कांवड़ियों के प्रति प्रेम नहीं है, ये उनका जो है जो जल ला रहे हैं, जो आस्थावान लोग, उनके प्रति प्रेम नहीं। मैंने कहा ना, इसके बीच में सांप्रदायिक कार्ड खेला जा रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर आपको वेज और नॉन वेज का ही करना था तो आप ग्रीन और रेड का भी सिग्नल उस पर जो है लगा चस्पा कर सकते थे। ग्रीन तो आपने देखा होगा, वेज किसी भी वेजिटेरियन चीज़ पे जो खाने पीने की, उस पर हरे रंग का गोल सर्कल होता है, और आज के टाइम में हर कोई जानता, हर कोई जानता भी है इन चीज़ों को, पूछा भी जा सकता है। असल में है क्या, ये कहीं ना कहीं आर्थिक बहिष्कार की तरफ इशारा है। और बीजेपी ये सब क्यों कर रही है, भाजपा इस तरह की चीज़ें क्यों कर रही है, वो इसकी वजह सीधा सीधा जो है लोकसभा चुनाव में उनकी भारी हार है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से माहौल को गर्मा के इस तरह की चीज़ें करके, और वो भी ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में जहाँ पे एक बार बहुत भारी दंगा हो चुका है 2013 के अंदर जी जी। और आप देखिए, कोई आम जन को छोड़ दीजिए, सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, केंद्र में जो एनडीए के अलाई हैं, चाहे वो जेडी हो, चाहे एलजीपीआर हो,
या फिर आपका जो है टीडीपी हो और राष्ट्रीय लोकदल हो, इन्होंने खुल के उसका विरोध भी किया है। हाँ। वो अलग बात है, मुझे अभी तक नहीं पता कि लिखित में कोई इन्होंने विरोध किया है। बहुत सारे लोगों ने साना जो है उन्होंने ट्वीट किया है, तो विरोध उनके प्रवक्ताओं द्वारा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन एनडीए सरकार को या किसी को खुल के दिया गया हो कोई लिखित में, या माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कोई दिया गया हो, ऐसा अभी तक संज्ञान में कुछ चीजें आई नहीं। दूसरी चीज इसमें जो है, पहले किसी अधिकारी द्वारा जो है निर्देश दिया गया था कि आप ऐसा करें। हाँ। ठीक है, बाद में जब इस पे जो है कंट्रोवर्सी हुई तो सुनने में आया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि मुख्यमंत्री कार्यालय से भी कोई आदेश इसमें जारी हुआ। इनके एक मंत्री हैं अग्रवाल, उनका नाम सामने आया, कपिल देव अग्रवाल, वो मुजफ्फरनगर से ही है कपिल देव अग्रवाल। हाँ, तो वो और इस पे जो है बाकायदा, अच्छा ये एक सीरीज है पूरी, हम जो कह रहे हैं कि ऐसा करना चाह रहे हैं, अभी आप शुभेंदु अधिकारी का बयान देख लीजिए कि सबका साथ सबका, वो सीधे मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं, मोदी जी के नारे को उन्होंने जो है बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव, उन्होंने कहा कि भाई हमें सबका साथ तब चाहिए, हमका साथ सबका विकास ही चाहिए, यानी जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, यानी कि पहले आप अपने वोटर को शिनाख्त करेंगे, वोटर की, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे, वो हिंदू मुसलमान सबके लिए कह रहे हैं, वो हर उस हिंदू भाई के लिए। उसी इलाके के एक विधायक ने, जो विधायक भी नहीं है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुसलमान किसी भी कीमत पर वोट नहीं देता पीछे पे, वो तो ठप्पा लगा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। असल में अभी तो पिछले दिनों वो कह रहे थे कि हमने मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाया, हम मुस्लिमों का विकास कर रहे हैं, मुसलमान हमारे साथ हैं। कुछ ही दिनों में उन्होंने खारिज भी कर रहे हैं, अभी कन्फ्यूजन की स्थिति में है। मैं आपको ये बता रहा था कि शुभेंदु अधिकारी जैसा व्यक्ति या जो है अपना हेमंत बिस्वा सरमा जैसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, बाकायदा संवैधानिक पद पर है, वो व्यक्ति अगर ऐसी बात कर रहा तो सीधे चैलेंज कर रहा है मोदी जी को, मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे को। तो मेरा कहना ये है, चूंकि बीजेपी का जो कोर एजेंडा है, भाजपा का जो कोर एजेंडा है, वो माहौल को गर्म करके इन चीजों को करना है। जी जी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि लीगलिटी अगर यदि इसमें होती तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसे लागू करिए, और सिर्फ कावड़ के लिए नहीं, परमानेंट इसे लागू करिए कि लाइसेंसधारी जो भी है वो अपना लाइसेंस चस्पा करे। अब आप बताइए, जो रेडी थोड़ी रेडी वाला पटरी वाला जो आम बेच रहा है, संतरे बेच रहा है, अंगूर बेच रहा है, केले बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, वो किसी भी समुदाय का, वो कहाँ से लाइसेंस लेगा? ये तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो है उनके उत्पीड़न का रास्ता भी सरकार खोल रही है। उनका, चूंकि सरकार एक नियम बनाती है, उस नियम की आड़ में जो है उस विभाग से संबंधित जो भी नियम बनता है, जिसमें तमाम दलाल एजेंट पैदा हो जाते हैं, खुद जो है उस विभाग के अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। खुद बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 40 साल के तक ऐसा हमने भ्रष्टाचार नहीं देखा, भ्रष्टाचार में जो है चरम पर अपना भ्रष्टाचार है, तो बहुत ही है। जहाँ तक बात है उसकी, तो देखिए, तो राजनीतिक तौर पे तो हम इसका विरोध कर ही रहे हैं, हमारी पार्टी जी जी, जिसका मैं माइनॉरिटी का राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ, माननीय शरद पवार जी की पार्टी में मैं हूँ, तो हमारी जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, हम इसका खुल के विरोध कर रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से भी इसमें एक लेटर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है। इसके अलावा भी हम माननीय न्यायालय की तरफ इसमें पूछ करना चाहते हैं कि इस तरह से इसे लागू न किया जाए, पूरी तरह से एक समाज को जो है विलन बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके आर्थिक बहिष्कार की, क्योंकि इसका लाभ लेके, इन चीज़ों का लाभ लेके, जिस तरह की सरकार की कार्रवाई है, इन चीज़ों का लाभ लेके जो असामाजिक तत्व हैं समाज के, वो कहीं ना कहीं इसमें शोषण करने का काम करेंगे, माहौल को जो है बिगाड़ने का काम करेंगे। तो हमारी सरकार से भी गुजारिश है, उनसे गुजारिश है, और माननीय न्यायालय में भी, अगर यदि सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है या हमारे लोग जो कंसर्न हैं जिनके उनकी बात नहीं सुनती है, तो हम माननीय न्यायालय का इसमें रुख करेंगे, संबंधित न्यायालय में। ये हमारी इसमें जो है पूरी तरह से प्रक्रिया है। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इसमें लीगल भी बताया और आप इस पर क्या करने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें बताई, साथ ही इसका जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है उस पर भी आपने हमने खुलकर बात रखी। तो आपको एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जाहिद भाई से फिर मुलाकात कराएंगे जल्दी ही किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहें हिंद वॉइस।